नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इग्निशन कॉइल को टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका इग्निशन कॉइल सही काम कर रहा है, यानी ये अपनी लाइफ पूरी कर चुका है या नहीं। इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, और एक इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो करंट को स्टेप अप करके आपके स्पार्क प्लग पे प्लग वायर के थ्रू स्पार्क प्लग पे हाई वोल्टेज करंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने मल्टीमीटर को पोजीशन को आपने रेजिस्टेंस पे रखना है, ओम पे उस पे रखना है। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.4 ओम से लेके 3 ओम आनी चाहिए। अगर इससे कम आ रही है या इससे ऊपर आ रही है तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो वीक हो चुकी है। पहले मैं आपको उसको बता दूँ, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें आपकी अक्रॉस 6000 से 15000 ओम के दरमियान वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो आपके इससे नीचे या ऊपर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका इग्निशन कॉइल जो है वो सही काम नहीं कर रहा और आपको इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मल्टीमीटर को हमने ओम पे रख लिया है। अब मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ कि इसमें इस क्या वैल्यू आ रही है। आपने नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव पे और पॉजिटिव प्रोब को इसके पॉजिटिव पे रखना है। इसमें ये देखिए वैल्यू थोड़ी बहुत इसमें जो आ रही है वो आ रही है 2.2 ओम। तो ये इग्निशन कॉइल की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग उसको चेक करने का तरीका यही है कि इसकी पॉजिटिव प्रोब पे जो है मल्टीमीटर की वो आपने इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर रखनी है और जो नेगेटिव प्रोब है वो इसके आप अंदर रख दें। तो ये देखें इसमें आपने जो वैल्यू आ रही है मल्टीमीटर को आपने मैंने 200 के पे रखा हुआ है जो कि 2000 है, तो इस हिसाब से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13200 ओम। तो इसकी जो रेंज है वो 6000 से 15000 ओम के दरमियान वैल्यू होती आनी चाहिए। तो ये मेरा इग्निशन कॉइल जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका है इग्निशन कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को चेक करने का।